नमस्कार, जय हिंद। तो सबसे पहले यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको क्या कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली बेसिस में मैं आप सभी के साथ में ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करते रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी फर्स्ट अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे हैं आमिर माजिद के बारे में। आमिर माजिद के बारे में पिछली वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर किया था, इनके ऊपर किसी रैंडम ग्रुप ने अटैक किया था, काफी ज्यादा इंजुरीज वगैरह आई थी हेड में और भी काफी सारी जगह। इसके बाद जो इनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह किया गया, वहां पर जो अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आमिर माजिद की जहां पर फाइट हुई थी उसका वीडियो एक ब्लॉगर ने अपलोड के अपने चैनल पे, ठीक है, जिनका की चैनल में आप देख ही सकते हो, वहां पर सारी ये एक्सप्लेन करते हैं कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वहां पर वो लाइव फाइट का वीडियो भी शेयर करते हैं। उनके वीडियो की एक छोटी सी क्लिप शेयर करते हैं, कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई आपस में नहीं बनती जम्मू के लोगों की, कोई बंदा अपने ही शहर में सेफ नहीं, अपने ही लोग जो है भाई वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो फाइनली गाइस अभी ना एक अपडेट आई है, एक सीसीटीवी फुटेज भाई आई है, सीसीटीवी फुटेज या किसी ने क्लिप बनाई है भाई वो आई है, उसमें देखने को मिल रहा है कि भाई कैसे जो है वहाँ पे जो है लड़ाई वगैरह हुई है, क्या हुआ। मेरे पास ना गाइस इसकी पूरी क्लिप है, सो बट आपको ना उसमें थोड़ा सा सीन बताऊंगा सिर्फ कि भाई वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। सो आप एक मिनट क्लिप चेक करो, उसके बाद मैं आपको उस पर जो है बातें बताता हूँ थोड़ी। जैसे आपने क्लिप देख ली तो भाई मतलब पता नहीं क्या हो रहा है भाई, अपने ही शहर में भाई जो बंदा है ना, जो क्रिएटर है, वो अपने ही शहर में भाई सेफ नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सब बात करने वाले पठान मूवी के बारे में। पठान मूवी यार पहले काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है। पठान जो है काफी सारे मूवीज को पहले ही बीट कर चुके एडवांस बुकिंग में। टाइम में पठान मूवी के 3,00,000 टिकट्स बुक हो चुके एडवांस बुकिंग में। वहीं पर अगर बात करें कलेक्शंस की तो एडवांस बुकिंग में इसने ऑलमोस्ट 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। एक तरफ तो काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर, एक तरफ काफी सारे ऐसे न्यूज निकल के आ रही है जो जितनी भी बुकिंग है ना एडवांस बुकिंग पठान की वो सारी फेक है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे इसको लेकर यहाँ पर ट्वीट्स किए गए थे। यहाँ पर बताया जा रहा है पठान मूवी का भी आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई जहां पर भी जताया जा रहा सारी जगह शो फुल्स बताए जा रहे हैं, बताया जा रहा है डे वन के शो कहीं पर बाकी ही नहीं, मतलब सारे सारा हाउसफुल जा रहे हैं। पर काफी सारे ऐसे ट्वीट्स है जहां पर मुंबई में एंड देन दिल्ली के यहां पर काफी सारे स्क्रीनशॉट वगैरह यहां पर देख ही सकते हो ऑनलाइन बुकिंग के, जहां पर बताया जा रहा है कि काफी सारे शोज खाली, बल्कि पूरी के पूरे थिएटर्स खाली है। इतनी भी चीजें बताया जा रहा है 3,00,000 टिकट सोल्ड, 2,00,000 टिकट सोल्ड, सारा सारा फेक बताया जा रहा है। बाकी ट्वीट वगैरह आप रीड करना चाहते हैं वीडियो को पोस्ट करके रीड कर सकते हो। बाकी इस चीज के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे हैं सुहानी शाह के बारे में। सुहानी शाह गई थी एबीपी न्यूज टीवी चैनल पे, आपने देखा होगा बागेश्वर धाम का, आपने सुना होगा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनके अभी काफी ज्यादा चर्चा है, काफी ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है उनके अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में काफी सारे एलिगेशन वगैरह लगाए हैं। इसी को लेकर सुहानी शाह भी वहीं पर एक रिपोर्ट में है। देन एबीपी न्यूज का यूट्यूब चैनल, यहाँ पर काफी सारे वीडियो उनको लेकर अपलोड किया, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे हो थगेश के बारे में। क्या थगेश एंड लक्ष चौधरी एक्सपोज हो चुके हैं? थगेश, लक्ष चौधरी और भी काफी सारे बड़े क्रिएटर्स गए थे गोवा क्रिएटर अवार्ड्स के लिए। वहीं का मुंबई का निखिल ने एक ब्लॉग वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, लोग वीडियो में थगेश और लक्ष चौधरी ड्रिंक कर रहे होते। सबसे पहले उनका यहाँ पर वीडियो देख लो आप, वॉल्यूम कम नहीं, सबसे बातें चालू हो गई। मैं ये बोलना चाह रहा था भाई आप, अगर आपके चैनल पे दिख पाया तो कि रियल व्लॉग इंडिया में अगर किसी ने दिए हैं तो वो मुंबई का निखिल। मुझे पता होता तो एक बस इक्विटी ले लेता व्लॉग्स की, आज बैठे बैठे कमा दी है। मतलब इंट्रोड्यूस जो परफेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जो होटल नहीं दिख रहा है ना, देखो मेरे कैमरे में हाइट समझती है, ऐसा देखना पड़ रहा है भाई। कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा थगेश एक्सपोज, लक्ष्य एक्सपोज, देन इस तरीके से काफी सारे कमेंट्स है, रीड करना तो वीडियो को पोस्ट करके रीड कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे मनोज डे के बारे में। मनोज डे अपनी वीडियोस को ना यूट्यूब के साथ साथ में वही उसी वीडियो को फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपने हिसाब से स्टोरी शेयर की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने एक वीडियो को सबसे पहले शेयर किया जिसपे की ऑलमोस्ट उन्होंने कल ही अपलोड किया था। अभी यहाँ पर देख सकते हो 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। यूट्यूब से अच्छा फेसबुक है, वीडियो वायरल फटाक से होता है। फेसबुक वीडियो वायरल कैसे करे, वीडियो आएगी जल्द। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात करने वाले नोरा फतेही के बारे में। नोरा फतेही को इस चीज के लिए भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। नोरा फतेही ने अपने फेसबुक पे यहाँ पर एक पोस्ट किया था जहाँ पर उन्होंने कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट की। सबसे पहले उन्होंने अपने डीपी को भी रिमूव कर, यहाँ पर एक शायरी उन्होंने पोस्ट की थी, मुझे छोड़ के जाने वाले जा छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या लेंगे। क्या बात, उनको काफी ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए ट्रोल किया जा रहा है। क्या काफी सारे मीम्स बन रहे हैं, काफी सारे पोस्ट के नीचे भी कॉमेंट सेक्शन में भाई काफी गंदा ट्रोल किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात कर रहे हो लक्ष्य चौधरी एंड अवेश दरबार के बारे में। तो अवेश दरबार को आप में से काफी सारे लोग जानते हो, इनका भी एक यूट्यूब
चैनल है जो गोवा में अभी क्रिएटर अवार्ड हुआ था वहां पर लक्ष्य चौधरी एंड अवैध दरबार भी गए थे। मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जो कंट्रोवर्सी के बाद काफी सारे क्रिएटर्स की आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। पर जाना अवैध दरबार लक्ष्य चौधरी से मिलते हैं, इसी को लेकर अपने ब्लॉग वीडियो में बताते हैं, आप देखिए उसको लेकर उन्होंने क्या कहा। जब हम आए थे दिल्ली वाले वो रुके हैं रेडिसन ब्लू में और हमारे साथ रीलर भी सारे रेडिसन ब्लू में रुके हुए हैं। गीमाशी और ये सारे अवैध दरबार तो साइड वाले में ही है। अच्छा चले गए, फोटो शूट चल रहा था उसका, लेकिन प्यारा बंदा यार अवैध मुझे मिला, मैं आने लग रहा था। तो फिर मैं मतलब मेरे एकदम दिमाग में चलता है यार, क्योंकि यूट्यूब से है कोई मतलब जिसके साथ अच्छे टर्म्स हैं तो उससे तो भी रहता है कि तुम भी हाथ बढ़ा लो, बट जब आवेश दिखा तो मैं सोच रहा मैं हार लाऊं या ना मिलाऊं, तो मैंने बस स्माइल पास की, वो खुद आया। मैं बड़े अच्छे से वो मिला, ग्रीट करा, बल्कि उसकी फोटो वोटो खींच रहा था, कोई फोटोग्राफर साथ लेके घूमे यार, ट्रेलर गए देख तू हिसाब, हम फोटोज को बहुत। तो बस यार इतिहास की सारी सारी अपडेट, आई होप वीडियो आपको सही लग रहा है, आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना।